अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इमरान नईम वी लॉग्स। और ज़बरदस्त बैटिंग की है आज रिजवान ने और बाबर आजम ने आज सेंचुरी बना दी है। पहले बैट्समैन है जिन्होंने इंटरनेशनल में T20 में दो सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान की तरफ से। कमाल बैटिंग, जितनी भी उन पर वो होती थी क्रिटिसिज्म, जमाल कर दी उन्होंने। आज तो मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं ना सही मायने में जिसको बदला लेना बोलते हैं, पहले T20 का बदला पाकिस्तान ने उतार दिया है। और ऐसा वैसा बदला मानी आउट ही कोई नहीं हुआ। पाकिस्तानी टीम हमसे क्या चाहती है इमरान? पाकिस्तानी टीम हमें हमेशा सरप्राइज करेगी, या अच्छा खेल के या बुरा खेल के कमाल की परफॉर्मेंस देती है। आज 200 का जब टारगेट इंग्लैंड ने सेट कर दिया था तो कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान ये चेस डाउन करेगा, और चेस डाउन भी ऐसा कि आउट ही कोई नहीं होगा। वो 152 का जो इंडिया के खिलाफ जो चेस किया था दुबई में, उसकी भी अब याद ना ताज़ा हुई है, और 10 विकेट्स की एक आदत ही बना ली है। हमारा मिडल ऑर्डर इमरान नहीं चल रहा था, तो बाबर और रिजवान ने यही तय कर लिया शायद कि हमने मिडल ऑर्डर की बारी ही नहीं आने देनी, जो करना है हमने खुद ही करके जाना। आतिफ असलम, आपने गाना सुना है वो, अब तो आदत है मुझे ऐसे जीने में, तो इनको तो आदत हो गई कि 10 विकेटों से जीता करेंगे। 10 विकेटों से जीते हैं और डोमिनेंस परफॉर्मेंस जो मुझे बताए कि आज जो के क्रिटिसिज्म इन पे हो रहा था रन रेट का, स्ट्राइक रेट का, वो भी आज रिजवान और बाबर ने तो 160 प्लस की एवरेज से उन्होंने स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर दी है हमारी। हाँ जी, तो और मैंने 66 बॉल में उन्होंने 110 स्कोर किया बाबर आजम ने रिजवान का। अब बाबर आजम पिछले 5 से 4 इनिंग में फेल हुए हैं, और आज सेंचुरी करने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो उस लड़के में हंगर नजर आ रहा था। और मेरा ख्याल है कि आज जो है ना सीरीज अलाइव हो गई, और जिस तरह मैंने कहा था कि ये सीरीज पाकिस्तान 4-3 जीतेगा, कल के मैच के बाद मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन आज के मैच के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान सीरीज 5-2 जीत जाए। और मुझे लगता है कि जो डाउट था कि बाबर आजम को ओपनिंग से हटा देंगे, वर्ल्ड कप से पहले शान मसूद ऊपर आ जाएंगे, अब वो भी सारे मेरा ख्याल है अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप तक हमारा यही अटैक रहने वाला है, रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे, और मिडल ऑर्डर की हमने बारी ही नहीं आने देनी। सारे मैच अगर रिजवान है तो 10-10 विकेटों से हमें जीतने पड़ेंगे, और वर्ल्ड कप भी हमें ऐसे जीतना पड़ेगा। रिजवान और बाबर जो है वही मैच फिनिश किया करेंगे। अगर हमारा तो मिडल ऑर्डर अगर मजबूत हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अब कोई भी ग्राउंड हो, दुनिया का ऑस्ट्रेलिया हो, हमारा सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम अब जो नजर आ रही है सिर्फ उसे मिडल ऑर्डर है। बॉलिंग की हमें कोई टेंशन नहीं है, फास्ट बॉलर हमारे पास पेस है, हमारे पास स्विंग बॉलर है, हमारे पास शहीन अगर वापस आ जाता है तो हमारे पास वर्ल्ड कप में बॉलिंग की कोई कमी नहीं है, ओपनिंग हमारी अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेयर्स ऐसे अगर हमें मिडल ऑर्डर में मिल जाते हैं जो कि हमें अच्छा ब्रिस्क किस्म के 50-60 स्कोर दे दें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 4 सेमीफाइनल्स होंगे इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी जीत जाए। लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद जितने भी क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे, शुएब अख्तर का मैं देख रहा था, उन्होंने भी बाबर की तारीफ की है, जो कि काफ़ी कह रहे थे रिजवान काफ़ी, उन्होंने पहले उन्होंने कहा था स्ट्राइक रेट पर उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन आज सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया तो हक्का पक्का रह गया, हमने तो अपनी सीरीज बराबर कर ली है, अब कल देखते हैं इंडिया का मैच भी है, हमारा भी तो तीसरा मैच है, तो इंडिया कल क्या करता है, इंडिया अपना मैच जीतता है, सीरीज अलाइव रखता है, या फिर सीरीज हार जाता है। मुझे तो लगता है कि कल इंडिया सीरीज हार जाएगा और पाकिस्तान कल सीरीज जो है ना 2-1 से लीड करेगा जी। और मुझे हमारी बॉलिंग पे भी आज बहुत फख्र महसूस हुआ, हालांकि दहानी वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, रिजर्व में साथ जाएंगे ट्रेवलिंग रिजल्ट में, लेकिन उन्होंने क्या बॉलिंग करेंगे आज, एक हैट्रिक थे आज, बहुत अच्छे लय में नजर आए हैं मुझे। इसके अलावा जो और जितने भी बॉलर्स थे, अच्छा कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। बॉलिंग मानी हमें जो हमारी बॉलिंग है ना, वो जब फास्ट बॉलिंग कराएंगे तो शॉर्ट्स तो लगेंगी, लेकिन 200 रन्स जो छोटी ग्राउंड थी, 200 इंग्लैंड ने किया, लेकिन 200 स्कोर बहुत स्कोर होता है, इसको चेस करने का प्रेशर ही एक जो होता है ना माइंड पर अगर आ जाए तो पाकिस्तान स्कोर नहीं होता था, लेकिन क्या किसी प्रेशर के बगैर रिजवान और बाबर खेले हैं। मेरा हाल है हम जितना भी डिस्कशन को इधर उधर ले जाने की कोशिश करें बॉलिंग की तरफ फील्डिंग की तरफ, लेकिन इन दी एंड हमें रिजवान और बाबर पे आना पड़ रहा है, क्योंकि आज की जो लाइम लाइट थी ना वो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप थी। अगर ये हम इंडिया के मैच को साइड पर रखें वर्ल्ड कप वाले, तो ये उससे बड़ी विक्ट्री है। 208 चेस करना 152 से ज्यादा मुश्किल था, 200 और ये इंग्लैंड की एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, और तो ये बड़ी विक्ट्री है। वो हमारे लिए एक्साइटमेंट उसमें ज्यादा थी, अभी भी इंडिया को हराया था, फर्स्ट टाइम हराया था, लेकिन अगर विक्ट्री वाइज और क्रिकेट वाइज कल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, इंडिया के अगेंस्ट 208 चेस किया था, आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ
200 चेस किया है, तो यही T20 क्रिकेट है। और इस तरह की क्रिकेट हमें पाकिस्तान से देखने की तवक्को है। जिस तरह दुनिया फास्ट विकेट खेल रही है, हमें भी फास्ट विकेट खेलनी चाहिए। आज इमरान आपने देखा होगा, कहीं पे भी इन्होंने रुकने की कोशिश नहीं की रिजवान बाबर ने, जैसे आज लग रहा था कि वो खेलने के मूड में, और कोई फेर ही नहीं था उनका। पिच भी यहाँ पे तरीब बनेगी कि काफी अच्छी पिच बनाएगी, काफी 400 रन पड़ गए और बड़ा मजा आया है, क्राउड भी आए होंगे, उनको काफी एंटरटेनमेंट आई होगी। तो उम्मीद है कि अगले 6 मैचेस भी इसी तरह ही अच्छे चलेंगे और हाई स्कोरिंग मैचेस, 5 मैचेस रह गए जी, 5 मैचेस। तो अपना अगला मैच तो मानिए आज, जिसने आप वीडियो देख रहे होंगे आज पोस्ट करेंगे तो आज ही अगला मैच भी आज ही है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इमरान की तरह बुखार ना चढ़ा लीजिएगा, तो इसको अभी तक बुखार नहीं है, दुआ भी करेंगे ठीक हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि हमारी जब वीडियो आए तो आपको पता लग जाए 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 इन सुलेमान स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।